गुड इवनिंग बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का एक टॉपिक है जो कि रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक, यहाँ पर तो मैं कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ जिसको आप पढ़ सकते हैं। द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट इफ यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। चलिए इसको अब हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में कहती क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो किससे डिवाइड करें, एक्स माइनस ए से। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए की। ठीक, अब इसको चलिए थोड़ा एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, हो सकता है आपको अभी भी समझ में ना आया हो। ठीक, ए की जगह पर हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लो हमें कोई पॉलिनोमियल दी है 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर पी एक्स को, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को, अगर मैं एक्स माइनस ए से, और ए की जगह मैंने कहा ए इज़ वेरिएबल, तो ए की जगह कुछ भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है। इसको टारगेट मान लो 2x² को, और इसको हमें डिवाइड करना है एक्स से। तो एक एक्स से एक एक्स गया, तो जब हम 2x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जा करके हमें 2x² मिलेगा। अब फिर माइनस 2 टू जा 4x, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो ये दोनों कट गए आपस में। 5 में से 4 गया तो क्या बचा, माइनस एक्स को या माइनस 1x को, एक ही बात है, प्लस 3। ठीक हो गया, तो अब हम क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे। ठीक, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। फिर से सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट गया। 3 में से 2 माइनस करोगे तो रिमाइंडर इज 1। अब हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। चलिए, अब हमें दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, और वो क्या दिया है, 2x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक, अब इस पर हमें एक्स की वैल्यू रख देनी है, और हमें एक्स माइनस ए क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है
एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू 2 रखनी होगी। तो माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है। अब देखो, सॉरी यहाँ पर प्लस 3 है, ये 1 नहीं, ये 3 है, ठीक है। अब देखो, 2 4 जा 8 माइनस 10 प्लस 3, तो माइनस 2 प्लस 3 एंड आंसर इज 1। तो अब समझते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में हमसे कहती क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इतनी लंबी लॉन्ग डिवीज़न मेथड किए बिना हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये थोड़ा छोटा ही है, लेकिन हमें आगे हो सकता है इससे भी बड़ा मिल जाए। तो जो बोला कि पी ए, ठीक है, पी ए मीन्स यहाँ पर जो ये ए की वैल्यू हमने रखी एक्स की जगह पर, ठीक। तो ये जो है ये भी हमें रिमाइंडर दे सकता है। इस तरीके से भी अगर हम रखे हैं तो बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड किए हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यही हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यही हमें रिमाइंडर थ्योरम बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।